खंडवा जिले में उपचुनाव की तैयारियां की जा रही है। ऐसे में खरगोन जिले की दो विधानसभा में मतदान कराने के लिए जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश जारी किए। हम आपको बता दें कि कलेक्टर अनुग्रह पी ने कोविड गाइडलाइन के अनुरूप शासन की मंशा के चलते बैठक ली, जिसमें सभी अधिकारियों को नियमों की जानकारी देकर आने वाले समय में सुचारू मतदान कराने के सख्त दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान कलेक्टर अनुग्रह पी ने बताया कि विभागीय बैठक के सहारे ट्रेनिंग देकर सुचारू मतदान सम्पन्न होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशिक्षण केंद्र का प्रशिक्षण भी दिया कर्मचारी की जा रही है। अभी जो नया कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से काउंटिंग रूम की मैप और प्लानिंग जो है बदलना चाहिए, तो हमने उसी का कल जो है पीजी कॉलेज में जाके प्लान किए थे। और सामग्री वितरण और ट्रांसपोर्टेशन रूट चार्ट और ये सभी का जो है टीम्स अलग अलग बन गया है, उन लोगों का ट्रेनिंग जारी है। जैसे आज जो है संबंधित ARO तहसीलदार की जो है ट्रेनिंग रखे हैं। तो इसमें कितने कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग? अभी जो है विभिन्न प्रकार की जो है टीम्स रहती है, EVM मैनेजमेंट टीम रहती है, पोलिंग मैनेजमेंट पोलिंग पार्टीज रहती है, उसमें कम से कम हमको 5,000 कर्मियों लोगों को जो है ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसके अलावा जो है सेक्टर ऑफिसर्स रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, उन लोगों को भी ट्रेनिंग रखे हैं। पोस्टल बैलेट EDC का भी ट्रेनिंग रखे हैं और पुलिस के साथ भी एक समन्वय मीटिंग भी करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।